सो फ्रेंड्स, तो आज के ट्रेलर रिएक्शन में हम बात करने वाले हैं टाइका वाइटीटी की अपकमिंग फिल्म द नेक्स्ट गोल विंस के बारे में। हाँ, यही टाइटल है। खैर, तो नाम और कुछ प्रेजेंटेशन के हिसाब से यही बात समझ आती है कि टाइका वाइटीटी अपने जॉनर में वापस आ गए जहाँ उन्हें होना चाहिए, क्योंकि थॉर जैसी फिल्म बनाकर उन्होंने जो फैंस को डिसअपॉइंट किया था, मैं लव एंड थंडर की बात कर रहा हूँ। बाकी रैग्नारॉक तो एक अच्छा टेस्ट था, उसके बाद उन्हें इतना फ्रीडम दे दिया गया कि उन्होंने बर्बाद ही कर दिया। खैर, तो अब यहाँ पर वो लोग वो क्या कर रहे हैं वो पहले ट्रेलर देख लेते हैं। बीच बीच में करते रहे कि बातचीत, क्योंकि ट्रेलर ही रिलीज़ किया गया डायरेक्ट, और ऐसी मूवीज़ का होना ही चाहिए। कोच कार्टर, चक दे, इंडिया, उसी टाइप की फिल्म है। American Samoa. Are you serious? Okay. तो उसने सेकेंड ऑप्शन लिया। We haven't scored one goal in the history of our country trying to have a soccer team. काना आ रहा भाई। तो मतलब ऐसी टीम को जिताना है जो कभी जीती। क्या था वो? उसके फेस पर लूजर्स। हाँ भाई, लिटरली करते हो तुमने। नीचे लव एंड थंडर डालना चाहिए था। ये चैंपियंस जैसी, मतलब टॉपिक तो वैसा ही है ऑलमोस्ट। क्या इस ये कौन सा उसको टैटू लगवा करके पूरे घुमा रहे हैं? माइकल फैसबेंडर यार, एक्टर है ये, वो कर सकता है। आ गया बिना एक्टिंग के। चै बोलते हैं ना उसको, चैन नहीं आता टाइका वाइटीटी को, हर फिल्म में दिखना ही है उसे। अब नहीं है टैटू। ओके, ठीक, एकदम टाइका वाइटीटी के जॉनर की फिल्म है और वैसी ही प्रेजेंटेशन दे रही है, यानी कि इससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी उनकी पहले के काम के हिसाब से। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, इस टाइप की फिल्म के लिए मैं भी, और बनती है अब आपकी राय। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, वीडियो को ख़त्म करो, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं हूँ अजीज़, मूवी शौक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।